हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक हियर, मेरे साथ में है शिखा। और कल शिखा ने एक्चुअली हमें पूरा रूम ना पैदल घुमाया है, पर आज अपनी बाइक पे सारा सामान सेटअप हो चुका है। हम लोग अभी खड़े हुए हैं रोम की गलियों में और आज यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो आज की जो राइड है वो है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स की और यहाँ से गूगल मैप शो कर रहा है सिर्फ 4.5 घंटे, पर हमें पता है कि शायद 6 से 7 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे। फिलहाल हम लेके चल रहे हैं अपनी इंडिया वाली एवरेज स्पीड, पर अभी एक्चुअली रोड्स पर निकले नहीं है, आज निकलेंगे पहली बार, तब पता लगेगा कि एक्चुअली कितने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो अभी एक्चुअली बज रहा है 10, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुकते रुकाते हुए फोटो खींचते हुए जाएंगे तो भी शाम को 5-5:30 बजे तक हम लोग पीसा पहुँच ही जाएंगे। तो पूरा सेटअप बाइक पर हो गया है, पैनियर टॉपर बैग्स, टॉप बॉक्स, यहाँ पर पैनियर्स। तो ये जो पीछे बैग दिख रहा है ये एक्चुअली ना बिल्कुल ही खाली बैग है। इनफैक्ट ये दोनों बैग भी हैं, वो भी उनमें भी ऐसा कुछ हैवी लगेज नहीं है, उसमें सिर्फ मेरा टेंट रखा हुआ है, एकदम हल्के से स्लीपिंग बैग रखे हुए हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा लगेज लेके चल रहे हो, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा लगेज नहीं है, पर सिर्फ जो लगेज है वो काफ़ी ज़्यादा अरेंज करके प्रॉपरली रखा हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी राइड पर हमें रोज़ रोज़ लगेज अपना उतारना नहीं पड़ेगा। तो आज तो हम लोग को फर्स्ट डे था तो पूरा सेटअप वगैरह करना था, पर अब पूरा सेटअप हो चुका है। तो अभी जो हम लोग प्लान करके आए थे कि हमें सिर्फ टैंक और टॉप बॉक्स ही निकालना हो तो सिर्फ शायद वही निकालना पड़ेगा। यहाँ से राइट टर्न है, ओके, राइट टर्न है ठीक है। हाँ राइट टर्न। एक्चुअली में यार कम से कम मुझे लगता है 2 दिन तो रोम के बनते हैं यार घूमने के लिए। एक दिन में ना पता है फिर तुम देखोगे तो सिर्फ देखते रह जाओगे, तुम फील नहीं कर पाओगे जगह, वो सिटी की वाइब होती है ना। हाँ हाँ वो तब आती है, तुम रात को घूम रहे हो आराम से चिल कर रहे हो, चलना किधर है पहले वो होता है। सीधा चल मिस्ट यहाँ। हाँ अरे मिस्ट देखो बुलंद, अरे ब्रेक मारा मैंने। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो ही जाता है ना। इसका जो हमारा डिस्टेंस है वो लगभग भाई 337 किलोमीटर है, गूगल मैप्स के हिसाब से हमें 4 घंटे दिखा रहा है, तो लेके चल 6-6.5 घंटे मिनिमम। कम से कम भाई अपन तो वही लेके चले यार, 50 की एवरेज स्पीड मान के चल। हाँ आज के दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि हमें अभी ना एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इधर चला रहे हैं उधर चला रहे हैं, यू टर्न पे राइट लेफ्ट हिलाए, अभी हॉर्न मार रहे हैं लोग, इतना गालियाँ दे रहे होंगे एक दूसरे को। हाँ यार तूने बोला तब से तो मैंने हॉर्न छुआ ही नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ तारी निकाल दूँ। लेफ्ट लेना लेफ्ट। हाँ राइट की तरफ से वेट कर रही है ना, सिग्नल पे खड़ी हुई है। वाह यार, तो मैं देख के सोच रहा हूँ। हाँ बोल हाँ बता। कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये पूरे सेटअप के साथ ना इंडिया में अगर तेरे को ध्यान हो, जब मैंने सेटअप किया था मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही थी ना बाइक निकालने की। हाँ यहाँ पे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना। नहीं नहीं ऑप्शन तो नहीं है, पर यहाँ वैसे देखना लोग ट्रैफिक कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है। कल जब अपन पैदल घूम रहे थे कि कोई फालतू की हड़बड़ी नहीं, कोई हॉर्न मार के परेशान नहीं कर रहा, उस वजह से ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आराम से चलता रहे। हाँ कोई ऐसा एक्टिवा घुमाते हुए नहीं आ गया, एक्टिवा तो कर ही नहीं आप। नहीं ये ठीक कह रहा है तू, अभी ये हॉर्न का सीन बड़ा जबरदस्त, सबसे बेस्ट यहाँ पर मुझे हॉर्न का सीन लगता है। अगर कोई तेरे को हॉर्न मार रहा है इसका मतलब भाई वो तेरे पे बहुत गुस्सा है या तो गाली दे रहा है। यहाँ पर हॉर्न का वो है ही नहीं भाई, कल्चर ही नहीं है यार। मतलब सारे एकदम सिमेट्री में लग रहे ना, क्या पेड़ ट्रिमिंग की हुई है ना एकदम प्रॉपर बना करा होगा ना इनको, ऐसा सिमेट्री देखिए, शेप देख पेड़ों की कैसी, सब एक जैसे हैं और सारे एकदम ऊपर हैं। हाँ अभी अच्छी खासी रोड आई थी एकदम से फिर रुक गए, अच्छा खासा चल रहे थे, मजा आ रहा था, अब फिर क्या फायदा हुआ, फिर रेड लाइट आ गई, क्या करूँ। कोई नहीं छाया में रुक ले, छाया में रुक ले भाई। नहीं 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 यार ऐसे तू रुक, तू छाया में रुक गया, पीछे वाले हॉर्न मारेंगे, मत रुक, कोई है ही नहीं मेरे पीछे, तभी तो कह रहा हूँ मत रुक, जल रहा है। मैं धूप में खड़ा हूँ तो छाया में खड़ा हूँ। देख गाड़ी आई है तेरे पीछे, आगे आ जा भाई, आजा मार के गाली दे दे। हाँ आ जा, देख शुक्र है धूप में खड़ा हूँ मैं भी, और तू भी, जबरदस्ती बुलाया तूने। टॉप इट, क्या कर रहा है लंबा यार, ये सीरी बहुत परेशान करती है लंबा, कुछ भूल। नहीं नहीं मैं डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ, कनेक्टेड हूँ। वो यार सीरी बीच में पता नहीं क्यों बार बार मेरे को मैप बताना शुरू हो जाती है, तो मेरे को उसको डांटना पड़ता है। वाह मैं शिखा अला 2 3 4 ली, तेरे पीछे तेरी सीरी बैठी है, मेरे कानों में मेरी सीरी बोलती है टेक लेफ्ट टर्न राइट टर्न, परेशान करती है। तो अपनी सीरी को डांट सकता है भाई? हाँ मैं डांट सकता हूँ भाई, ये तो सीरी मेरे साथ मेरी वाली तो चुप हो जाती, मैं कहता हूँ शट अप सीरी, कहती है ओके आई वोंट, तू एक बार बोल के दिखा, वो कहेगी अच्छा बेटे अब तू रुक। आज के रोड में ना शिखा देखो कोस्टल रूट दिख रहा है क्या? हाँ मैंने कोस्टल ही डाला है। अबे तू शिखा है क्या? मैंने नहीं डाला। अच्छा तूने नहीं डाला है, तू दूसरे रूट से जा रही है लांबा, दूसरे रूट से जा रहा है।
अरे ऐसे मत करो यार, साथ चलते हैं यार। अरे वो लैंप पे नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैंने डाला नहीं, डाला क्योंकि मैंने डाला तो था। हाँ तो जब भी मैं तुम दोनों से कोई क्वेश्चन पूछूं और तुम दोनों लोग उस बात पे एकदम शांत हो जाओ ना, तो मुझे शक सा होता है। पर ये सही है, बता अगर अगर ये ना होता ना हमारा मतलब ये अभी हम ऐसे कनेक्टेड नहीं होते तो मुझे हाँ। मुझे एक्चुअली बड़ा बोरिंग सा लगता। हाँ कि मैं वही देख रहा हूँ। मुझे एक्चुअली तो वैसे तो हैबिट ही है, तेरे को तो हैबिट नहीं है, तेरे को तो शिका के साथ बात करने की हैबिट है, मुझे तो हैबिट ही ऐसी है, लेकिन अब नहीं होती यार, अब ऐसे मन कर रहा है कि बात करता रहूँ तेरे साथ। डिपेंड करता है सामने वाला बंदा कैसा है। हाँ फर्क पड़ता है ना, मैं तेरे से अच्छे से बात करता हूँ, बढ़िया से एकदम फालतू की गाली वाली देता। शिका द हीरो किसके पास पड़े हैं? मेरे तो पास वो सामने क्या है, क्या सामने देखो, सामने सी 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 सामने देखो, सामने हाँ, सी दिख रहा है, वही आ गया, कोस्टल आ गया, समुद्र समुद्र हाँ, वो देखो कोस्टल, ओ वो दिख रहा है सामने, भाई साहब वो देख रहा है शिप, देख रहा है शिप, वही वो शिप देखो, वो शिप देखो भाई साहब, वही तो। ओ अचानक से मुझे लगा कि स्काई में लाइन कैसे आ गई यार। किसके पास पड़े हैं? मेरे तो पास कैश शिखा के पास हुआ, यहाँ लिखा नहीं है, यूजुअली लिखा होता है कितने यूरो का है पीछे, एक उस पर फास्ट पे वगैरह तो लिखा हुआ था नहीं? अरे 5 का 10 का कुछ भी पड़ा हुआ है निकाल लो, 2-3 यूरो 4 यूरो मैक्सिमम इतने ही लगते हैं, 1.5 यूरो से ऊपर। हाँ बस बहुत है, बस सेकंड वाली में ले, लेफ्ट वाले में चले। हाँ और क्या, लेफ्ट वाले में ले ले। विंडो किधर है इनकी? अच्छा ये नहीं भाई, खुद डालने हैं वो। कोई बंदा है ही नहीं ना। कोई नहीं है भाई, अब कर दो चलो। बटन होगा प्रेस में लिखा होगा कहीं पर, प्रेस मी ये लाल वाला बटन दबा, इसमें डाल दे पैसे, ऐसे डाल दे शिखा, हाँ डाल दे कुछ तो दिखा रहा, मेरे को खुद नहीं पता क्या लिखा हुआ, डाल दे। हाँ 2.5 लिखा ना, डाल दे क्लास ए 2.5, तो 5 डाल दे। अरे सोलो 1 सेकंड सेल्फ क्लोजर सोलो शियाडू कॉइंस है, ये है नोट, ये देख, ये जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मिस्ट, पर नोट तो वहीं लिखा हुआ है भाई। मैं पूछूं पीछे वाले को? हाँ पूछ ले, मैं खड़ी नहीं कर सकता भाई, टेढ़ी हो जाती है। इधर दिखा रहा है, इधर और इधर लाइट जल रही है ना। हाँ उस पे लिखा है नोट, यह तो नहीं होगा, मिस्ट पूछना पड़ेगा लंबा उनसे। ये कह रहा कार्ड या कॉइन, दो चीजें चलेगी। अरे उतर एक काम करते हैं, आगे ले थोड़ी, आगे ले बाइक, आगे एक सेकंड ये निकाल लेगा गाड़ी वाला। शिखा चेंज ले रही होगी, चल मिश चल। किसने दिए? उसने पैसे पे किए हमारे? फिर आगे पे करने पड़ेंगे। क्या नहीं किया ना, ये ठीक भी किया, अभी जो इतने पर्चे लिए ना तो वो ठीक भी है। आगे क्या होता है, आगे तेरे को एक और ऐसा मिलेगा, ठीक है? और अगर वो तेरे को बोलेंगे पर्ची, तो ऐसा ना हो कि तेरी पर्ची हो वो खाली, मेरी ऐसे जैसे लंबा लग जाए। दोनों बाइक की है, दोनों की है ना। चलो अभी एक काम करते हैं मिस्ट, कहीं पर रोक ले, प्यास लगी है, पानी पी ले। तो कह रहा हूँ धूप लग गई एकदम। तो जब से हम लोग निकले हैं तो एक्चुअली कोई ऐसा यहाँ पे रोड साइड पे कोई पार्किंग वगैरह या फिर कोई ब्रेक वगैरह लेने के लिए होटल वगैरह टाइप से नहीं है यहाँ पे। जहाँ पर भी मैं दिख रहा था वो इस टाइप का एरिया ही दिख रहा था, जैसे इंडिया में हम लोग कहीं पर भी रुक जाते हैं चाय वाय पीने के लिए। फिलहाल अभी तक तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखा है, आगे पता नहीं कैसा होने वाला है, पर ये जो एरियाज़ हैं ये अलग से बने हुए हैं। हाईवे पर आपको लेबोरियो सेट करके कुछ लिखा हुआ था, तो वो स्टॉप देखना है और वहाँ से आप अपनी लेन में आके यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई थी, बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, ये पूरा रेस्ट एरिया ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली आधे पौन घंटे से रुके हुए थे। पीछे शिका दिख रही होगी आप लोग को, वो बैठी हुई है, लांबा भी अपना कुछ सेटअप वगैरह कर रहा है। तो अब यहाँ से पीसा जो है वो रह गया है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स और गूगल मैप्स दिखा रहा है 3 घंटे, अभी बज रहा है यहाँ पे 2। यहाँ से अभी निकलते हैं और शायद 5:30-6 बजे तक हम लोग पीसा पहुँच जाएंगे। लांबे हाँ भाई, बारिश, हाँ यार बारिश स्टार्ट हो गई है, बस एक ही चीज़ थी जो बारिश जो नहीं चाहिए थी, अभी तो कह रहा था ना बारिश ले। अबे बारिश ना अच्छा इशारा होता है, खाने ठंड भी लग रही है यार, ठंड शुरू हो चुकी है, इतनी नहीं होगी बारिश है? ये आया अच्छा है ना टन। ओ
कोई बहुत तेज है, बहुत तेज विंड ब्लास्ट है, बहुत तेज विंड ब्लास्ट, बहुत तेज है। पूरी बाइक लीटर और दूध लिया भाई, कॉफी पीनी है मेरे को बहुत। अब हां पिलाता हूं, देखो पहुंच के कोल्ड कॉफी पिलाता हूं। मेरा सारा ऐसे हिल रहा लेफ्ट राइट इधर। आज 38 किलोमीटर तक आ गया, आधा घंटा। हां बारिश आ गई तो देखा टाइम भी बढ़ गया है, 6:15 बजे पहुंचा रहा था, अभी करते 6:40 हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि 7 भी बजे तब भी ठीक है। हाँ 7:30 आधे घंटे का बफर होगा हमारे पास और मतलब पिज्जा में फोटो वोटो खिंचाने का देखने का। मतलब ये बारिश भूख लग गई है बहुत जोर से। हाँ भूख तो यार मेरे को भी लग रही है बहुत जोर से लग रही है। अभी जो पीछे एरिया सर्विस एरिया पड़ा था ना, मैंने सोचा एक बार क्योंकि रुक लेते हैं वहाँ पे, पर यहाँ पर रुकने का फायदा ही नहीं है यार, देखो खाने को मिलेगा ही नहीं कुछ। ना 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 रुकना तो है ही नहीं भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना। नहीं टाइम वेस्ट की बात अलग हो गई, पर भाई इनका रेस्टोरेंट में मिलेगा क्या, मीट मिलेगा। हाँ वही ना, वो कुछ खाने को मिलना नहीं है। अभी मेरे ना कोई सुपर मार्केट दिखे आस पास तो पक्का से ना स्नेकर उठा के रख लेने। स्नेकर लाएगा ना भाई? हाँ मुझे मत बताइयो कितनी ला। हाँ मतलब पता है तेरा भाइयो मिल बांट के लेकिन बताइयो मत भाई मुझे। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ तेरा टैंक बैग से कब वो गायब हो जाएगी मुझे पता भी, तेज़ पता भी नहीं लगेगा। नौ किलोमीटर दिखा रहा है 12 मिनट। हाँ मेरे को भी ये दिखा। अच्छा मेरे में भी शिखा ने लगा दी ना लोकेशन मेरे ख्याल से। हाँ हाँ प्रॉपर्टी की ही लगा दी है। अच्छा पिसा लगा देता डायरेक्ट ही वही जहाँ भी जाना है। अबे क्या सही कंट्री साइड रोड आ गई ना एकदम, एंटर करते ही हाईवे छोड़ते ही यही मजा आता है यार। कंट्री साइड व्यू देख रहे सामने मेन किचन रेस्टोरेंट थे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं श्रीनगर वाले एरिया में आ गया हूँ उधर, ऐसे पहाड़ देख कर। तो अभी क्या क्या करना है, पहले एक काम करते हैं होटल ही चलते हैं। होटल जाने का मन है पहले, मतलब इंडियन भी जाने का मन है पहले। मन का वो नहीं है आज एक्चुअली, रास्ते में रुके भी नहीं ना तो आगे की सुपर मार्केट दिखे ना तो एकदम हाँ। तुरंत एक दूध पकड़ ले और एक ब्रेड पकड़ ले बस। हाँ यार मेरे को कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है समय। हाँ बारिश भी हो गई हल्का बहुत, फिट भी गए देख ले। अगर पहले जाना है उस पिज्जा टावर पे तो अभी कर सकता है, नहीं तो अपना शाम को चले। अगर पैदल पैदल जा सके तो फिर पैसे नहीं यार, फोटो भी खिंचवानी है यार बाइक के साथ। बाइक के साथ तो फोटो लेनी है। ओए होए राइट पे क्या रोड जा रही है ये, कहाँ बहुत करी रोड भाई साहब, फोटो कितनी प्यारी आएगी। मिस्ट यहाँ आ जा यार, आ जा आ जा आ जा, बहुत जबरदस्त यार। लेना था राइट पे? नहीं ले तो लेता, अब चलते हैं यार आगे से जाके वापस आना। अरे यार आ जा तू लीड कर लेना, जहाँ तू कहेगा मैं मुड़ जाऊँगा और क्या। फिर अभी BMW, Mini, Ford सबकी फैक्ट्री है पूरे एरिया में। ग्रॉस मार्केट पता नहीं लिखा होता ग्रॉस मार्केट, ये सामने क्या है वो बाटा लिखा हुआ है मिस्ट। खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाए कुछ। BMW F800 पे एक्चुअली वो ग्रॉसरी भर रहा है जैसे तूने भरी है। सारे टॉप बॉक्स पहनी और सब में उसने ग्रोसरी का सामान भर दिया। B&B होटल हमारा वाला है 4.1 किलोमीटर। वो देख सामने स्काई क्या एंट्री हो रही है, ये है हमारा B&B। पता नहीं क्या हुआ अराइव्ड, यही होगा ये। फोटो पड़ी है कोई अगला वाला नहीं होगा, उधर से कम हो रहा उसी तरफ होगा। उनसे ही पूछ ले 69 इसी में है क्या, या जो अंकल जी खड़े उनसे पूछ ले। ओके थैंक यू। खतरनाक पार्किंग है भाई, नाइस। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर है रूम, रूम 1 बाथरूम ये भी। तो ये है हमारा रूम, काफ़ी स्पेशियस बड़ा रूम है, पर मेरे को बस एक चीज़ लगती है यहाँ पे हर रूम में जिसमें हमने चेक इन किया है, हर जगह पे ना लाइट थोड़ी सी कम है, हर जगह एकदम डिम लाइट का यहाँ पे ट्रेंड है। बाहर देखो अभी भी दिन सही हो रहा है, 8:30 बजे तक अंधेरा होता है, तो अभी एक्चुअली 8:15 टाइप्स हो रहा है। हम लोग अपने होटल में चेक इन वगैरह कर चुके हैं। तो आज हमारा एक्चुअली
फर्स्ट डे था जो हम अपनी इंडियन रजिस्टर्ड बाइक लेके इटली की रोड्स में एक सिटी से दूसरी सिटी आए हैं। सच बताऊं तो यार बहुत प्राउड फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो कभी कभी जब हाईवे पर चल रहे थे तो ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं इंडिया में ही चल रहा हूँ, पर जब कभी आप लोग को स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, थोड़ा डिफरेंट सिस्टम दिखता है, हाईवे जैसे इंडिया में वैसे यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तब समझ में आता है कि नहीं यार आप इटली में बाइक चला रहे हो। तो वो जो फीलिंग है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। फर्स्ट डे था राइडिंग का, तो यहाँ पर जो गूगल मैप्स दिखाता है कि 3.5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे 350 किलोमीटर्स कवर करने में, वैसा तो ऑब्वियसली अभी नहीं हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है तो बहुत सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है। अभी हाईवेज पे क्या रूल्स हैं, SOS लेन कौन सी है, फास्ट लेन कौन सी है, कहाँ रुकना है, रेस्ट स्टॉप कहाँ पर है, रेस्ट स्टॉप पर क्या मिलता है, जैसे हम लोग आज एक्चुअली रेस्ट स्टॉप पर रुके, वहाँ पर वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगे। तो आई थिंक जब हम लोग 2-3 दिन राइड कर लेंगे एक सिटी से दूसरी सिटी, हाईवेज वगैरह समझ में आना लग जाएंगे, यहाँ के रूल्स वगैरह समझ में आना लग जाएंगे, तब शायद ऑलमोस्ट हम लोगों को भी जो गूगल मैप्स यहाँ पर दिखा रहा है उस टाइम के हिसाब से टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ पर इस टाइम पर बज रहा है 8:30, अभी भी थोड़ा बहुत दिन बाकी है। तो जो हमारा प्लान था कि हम लोग पहुँचेंगे और पीसा टावर घूमने जाएंगे, तो वो तो आज नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल तो बस थक गया हूँ, तो खाना खाते हैं, सोने जाते हैं और आप लोगों से मिलता हूँ कल के व्लॉग में, और कल के व्लॉग में हम लोग जाएंगे पीसा टावर घूमने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हो तो डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।